हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आपके पास सोनी का स्मार्ट टीवी है तो कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आपने ज़रूर फेस की होगी कि जब भी हम इसमें कोई बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें आपका जो कीबोर्ड है वो बेसिकली काम नहीं करता है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कीबोर्ड को कैसे काम करवाएं, बेसिकली कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। अभी इसमें इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है इसलिए ये चल नहीं पा रहा है। इसको एक बार इंटरनेट से कनेक्ट कर लेते हैं। इसमें सेटिंग में जाएंगे और ये आपको दिख रहा है वाईफाई का नाम, अगर कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। एक बार कनेक्ट हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका कीबोर्ड जो है काम नहीं करता है। अगर मैं इसको ओपन करूं, इसको नहीं, ये अगर दूसरा कोई ओपन करूं, लेट से ये MX प्लेयर को ओपन करता हूं। इसमें अगर सर्च में जाएंगे, इसका तो अपना एक कीबोर्ड है तो इसलिए इसका जो टीवी का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जिसमें डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड की ज़रूरत होती है। वैसे केसेस में अगर आपका टीवी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो प्रॉब्लम हो जाती है। कोई भी कार्यक्रम का नाम लिखना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो उसमें वो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पे जाके ये दिखाऊं, ओह इनफैक्ट इसमें भी इसका अपना डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं आप कि यहाँ गूगल पे मुझे कुछ लिखना है और मैं बार बार इसके रिमोट से, टीवी के रिमोट से क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, कुछ भी लिखा नहीं रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने टीवी से कनेक्ट करते हैं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो मैंने ये माउस कनेक्ट किया हुआ है। ये माउस जो है ना, आप देख पा रहे होंगे ये कनेक्टेड है। ये माउस को अगर हम निकाल देंगे, इस टीवी से डिसकनेक्ट कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। एक बार मैं इसको डिसकनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैंने माउस को डिसकनेक्ट कर दिया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका कीबोर्ड आ गया है। दोबारा से अगर आप ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कीबोर्ड नीचे में आपको दिखने लगेगा। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस, चाहे आप कोई भी लगाते हैं, माउस लगाते हैं, चाहे कीबोर्ड लगाते हैं एक्सटर्नल डिवाइस, तो टीवी में जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है सोनी टीवी में स्पेशली, वो काम करना बंद कर देता है। अगर आप भी ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको डिसकनेक्ट करके एक बार देखिएगा, पक्का आपका ये कीबोर्ड चलने लगेगा। थैंक यू दोस्तों।